यहाँ पे प्याज के पत्तियों को कुछ इस तरह से अलग किया जाता है, और ये देखिए नीचे दुरांते, और ये प्याज की पत्तियों को काट रहे हैं यहाँ पे पापा। तो यहाँ पे किसी ने कालू के पैर पे भी मारा है, चाहे पत्थर से मारा होगा या कुत्ते ने काटा होगा, तो ये चल भी नहीं पा रहा है और कालू बहुत सुस्त हो चुका इधर है। यहाँ दाने के हिसाब से अखरोट आते हैं, और ये अखरोट आते हमारे 3 या 4 रुपए का। अगर बड़ा दाना होगा तो 4 रुपए का जाएगा, अगर छोटा सा होगा तो 3 रुपए का जाएगा ये अखरोट। तो अभी यहाँ पे हमारे गांव के लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और यहाँ पे सुनील और आकाश भी यहीं पे खेल रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजू गुसाई ब्लॉग में। आज सभी ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हुई है सुबह के 7 बजे से। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल टाइम भी नहीं लगता है मुझे, क्योंकि आजकल बहुत सारा काम है घर में, खेतों का काम है, खेतों में गुड़ाई करना और अब मंडी में भी धनिया लगाना हो चुका है। तो अभी तो धूप बहुत तेज लग रही है सुबह सुबह, आजकल मतलब धूप जल्दी निकल जाती है, 5:30 बजे तक धूप निकल जाती है। और ऐसा भी नहीं लग रहा है क्योंकि सुबह के 7 बज गए, क्योंकि धूप बहुत तेज लगने लगी है, और जैसे धूप लगती है वैसी बारिश भी आती है जरूर शाम को। तो यहाँ पे किसी ने कालू के पैर पे भी मारा है, चाहे पत्थर से मारा होगा या कुत्ते ने काटा होगा, तो ये चल भी नहीं पा रहा है और कालू बहुत सुस्त हो चुका है। कालू खड़ा होना थोड़ा सा, और खड़ा भी नहीं हो पा रहा कालू। चलो खड़े हो जा, दर्द हो रहा है इसके पैर पे, खड़ा खड़ो कालू। तो कालू खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसको यहाँ पे आराम करने देते हैं। और ब्लैक यहाँ पे मैं जैसे सो रही है अभी भी, और आप देखिए यहाँ पे सुबह हो गई, धूप निकल चुकी है, पर ब्लैकी की नींद अभी पूरी नहीं हुई और यहाँ पे आराम से लेटी हुई है। हाँ ब्लैकी है, सोने का टाइम है अभी, और देखो कैसे नखरे कर दिए आप। हाँ ब्लैकी मार खाएगा, मार खाएगा ब्लैकी। सोने का टाइम है अभी, सोने का टाइम है, नखरे क्यों दिखा रहे, तो नखरे दिखाएगी तो नखरे देखो। तो दोस्तों अभी आपको किचन में लेके चलते हैं, और यहाँ माँ खाना बना रही है, और भाभी और नेत्रा जा रखे हैं भाभी के मायके। तो यहाँ पे मेरी माँ भी चूल्हे में रोटियाँ बना रही है, और हम खाने भी चूल्हे में बनाते हैं रोटी, और आप देखते हैं यहाँ पे आग में सेक रही है, आग में पके हुई रोटी में अलग ही स्वाद आता है। और ये रोटी बना रखी है मंडवे, और थोड़े से गेहूँ का आटा रखा है इसमें। तो दोस्तों जो आपको यहाँ पे पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये है छोटे गुलाब का पौधा, और इस पर छोटे गुलाब आते हैं, और जो ये वाला है ये बड़ा गुलाब का। तो बारिश और ओले ने तो सब गुलाब झाड़ दिए, पर आप नीचे नीचे देखते हो यहाँ पे कितनी सारी कलियाँ हो रही है गुलाब के, और भी इतने सारे फूल होंगे, और नीचे नीचे बहुत ही सारे फूल आ रहे हैं गुलाब के, जो कि बहुत ही सुंदर भी लग रहे हैं। और इस वाले खेत में बो रखे मैंने मक्के, और जो आगे दिखे दे रहे इसमें है आलू, इसमें कल आलू बो रखे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा रखे थे मैंने, इन पर स्ट्रॉबेरी भी लगे, और वैसे तो स्ट्रॉबेरी काफ़ी सारे खा भी दिए हमने, और पहले बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉबेरी लगे थे, अब छोटे छोटे लगने लगे क्योंकि उनका टाइम हो चुका है। और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉबेरी बिल्कुल लाल हो रखा है, और बाकी हरे हो रखे हैं, और अभी भी फूल आ रहे पर अब इतने बड़े नहीं हो रहे। और यहाँ पर रोज़ सुबह गोरियाँ आ जाती है हमारे आंगन में खाने के लिए, और ये गोरिये के बच्चे अभी छोटे छोटे, और डर भी नहीं रहे। और यहाँ पे पापा काट रहे हैं मुर्गे के लिए प्याज के पत्ते, जो हरे पत्ते होते हैं, और इनको बारीक करके हम चावल या गेहूं के साथ मिलाएंगे और फिर खाएंगे मुर्गे इनको। तो दोस्तों मैंने नाश्ता पानी भी कर लिया, और ये सामान भी पैक कर दिया है। तो अब मैं चलता हूँ अपने मुर्गे फार्म की तरफ, और हाँ मेरे साथ से ब्लैक ही आएगी क्योंकि कालू के पैर पर चोट लगी है, तो कालू नहीं आ सकता मेरे साथ। आता ब्लैक ही आ। और यहाँ पे चल रहे हैं आजकल मकान का काम, और ऊपर चाचा जी बैठे हैं जो मिस्त्री का काम करते हैं यहाँ, और यहाँ पे भाई जी सीमेंट बना रहे भी। तो मैं अपने मुर्गे फार्म में भी पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने अपने मुर्गों को बाहर भी निकाल दिया। आजकल मैं इधर छाव में ही निकालता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी अच्छा है, मैं यहाँ पे छाव में बैठकर उनकी रखवाली करता हूँ, और मुर्गे भी छाव में रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमते धूप में। और आप देखिए यहाँ पे भी मुर्गे दाना खा रहे हैं, आजकल मैं उनको
इनके बर्तन में दाना देता हूँ, क्योंकि ये नीचे नहीं खाते दाना और पूरा बर्बाद ऐसे होता है। और आप देखते हैं अब बहुत ही कम मुर्गियाँ भी रह चुकी है। तो दोस्तों अभी शाम के 7 बजने वाले, 6:52 हो चुके हैं, तो मैं जा रहा हूँ अभी इवनिंग वॉक पे, और कब से इवनिंग वॉक पे भी नहीं गया मैं, तो आज उस साइड के लिए जा रहा हूँ मैं घूमने के लिए, क्योंकि साइड के लिए तो मैं बहुत बार जाता हूँ। तो अभी कालू और ब्लैकी भी आ रखे, और कालू सुबह के टाइम नहीं आ रखा था मुर्गे फार्म में, क्योंकि सुबह के टाइम इसके पैर में दर्द हो रहा था, और अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो इसको मतलब तीन टांगों में जा रहा है, और अभी तक खसनी वाला पैर नीचे। तो अभी यहाँ पे हमारे गांव के लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और यहाँ पे सुनील और आकाश भी यहीं पे खेल रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं चला गया था यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने के लिए, और मेरे पास बॉल ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं स्कूल के टाइम पे खेलता था कभी कभी वॉलीबॉल, और इतना परफेक्ट भी नहीं हूँ मैं वॉलीबॉल खेलने में। और अभी आप देखना मैं किस तरह से वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, और मेरे पास आ ही नहीं रहा था, लड़के बीच में आ जा रहे थे वॉलीबॉल मारने के लिए, और देखिए कितना अच्छा शॉट खेल रहा हूँ मैं, ये भी आज कितनी टाइम बाद खेल रहा हूँ। और देखिए मेरा शॉट, लाजवाब शॉट। हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो मेरी ये वीडियो अगले दिन शूट हो रही है, तो मैं पे अपने मुर्गे फार्म हूँ, और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हमारे यहाँ पे बहुत सारे अखरोट हो रखे हैं, और आपको अखरोट भी दिखाते हैं कि कच्चा अखरोट किस तरह से होता है, और हमारे पहाड़ों में अखरोट की कीमत कितनी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर बहुत सारे अखरोट लगे हुए इस बार इन पेड़ों पर, और कच्चा अखरोट अभी इस तरह के होते हैं, और हमारे इधर अखरोट के पेड़ है ज़्यादातर यहाँ पर जहाँ पर मुर्गे फार्म है। और इधर देखिए इस बार पता नहीं क्यों हो रहे इतने सारे अखरोट, अगर बंदर रखेंगे नहीं तो तब तो हमारे फायदा ही फायदा, क्योंकि हम एक अखरोट को बेचते हैं जो आपके दाने दिखे दे रहे हैं, यहाँ दाने के हिसाब से अखरोट जाते हैं, और ये अखरोट जाते हैं हमारे 3 या 4 रुपये का, अगर बड़ा दाना होगा तो 4 रुपये का जाएगा, अगर छोटा सा होगा तो 3 रुपये का जाएगा ये अखरोट। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, मुर्गे फार्म का मैंने सब काम निपटा दिए हैं, तो अब दिन में खाना खाते, यहाँ दिन में रहने का मन भी नहीं करता यहाँ अकेले अकेले, और इस तरफ के लिए मतलब सुनसान सा एरिया है, तो दिन में अजीब सा लगता है इधर रहना भी। तो यहाँ पे रोड़े भी आ चुके हैं, शायद इस सड़क पे डामरीकरण होने वाला है कुछ दिनों में, और यहाँ पे जगह जगह पे ऐसी रोड़े रखी है सड़क के किनारे। दोस्तों यहाँ पे कालू का दुश्मन खड़ा हो रखा है, और इसी ने कालू का लंगड़ा किया था, और यहाँ पे कालू पे भोग रहा है क्योंकि कालू आगे से जा रहा है। तो दोस्तों मैं घर में पहुँच चुका हूँ, और घर में आते ही मैं यहाँ खेत में आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे मम्मी और पापा प्याज को उखाड़ रहे खेत से, और इस बार बहुत ज़्यादा प्याज हो रखे हैं, पर छोटे हो रखे हैं, वरना कभी तो बहुत बड़े बड़े प्याज होते हैं, तो अभी तो एक ही खेत का प्याज उखाड़ का, और यहाँ पे मम्मी प्याज के पत्तियों को काट रहे, तो इसके ऊपर के पत्तियाँ होती है, और अभी नीचे के खेत में भी प्याज है, तो इसको भी उखाड़ना है, और इस साइड के लिए हो रखा है छोटा छोटा प्याज, और इस साइड के लिए देखिए इस साइड के लिए बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे वहाँ प्याज के पत्तियों को अलग करिए, और यहाँ पे प्याज सुखाने के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे प्याज के पत्तियों को कुछ इस तरह से अलग किया जाता है, और ये देखिए नीचे दुरानते, और ये प्याज की पत्तियों को काट रहे हैं यहाँ पे पापा। दोस्तों अभी तो मम्मी पापा यहाँ पे प्याज को निकाल रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ अभी खाना बनाने के लिए, और मुझ पर लगी है दिन के खाने बनाने की ड्यूटी। और यहाँ घर के आंगन में दे सकते हैं, यहाँ पे लहसुन भी रखा है सुखाने के लिए, और ये लहसुन भी हमारे खेत का है, और आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े दाने रहते हैं लहसुन के, और जो दुकान से आते हैं ना बाजार का प्याज प्याज नहीं लहसुन वो बहुत छोटा होता है, और पहाड़ के लहसुन को देखिए कितने बड़े हो रखे हैं। तो यहाँ पे चावल भी रख दिया मैंने पकाने के लिए, तो ऊपर के खेत का प्याज तो पूरा उखाड़ दिया और काट भी दी इसके पत्ते, तो अब आके हम नीचे वाले खेत में अब इस यहाँ इस खेत के प्याज को उखाड़ेंगे हम। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका यहाँ पे प्याज को उखाड़ने के लिए, अब काफ़ी उखाड़ते खेत का प्याज, क्योंकि बहुत ही धूप भी लग रही है। तो इस वाले खेत का पूरा प्याज भी उखाड़ दिया हमने, और इस वाले खेत में अच्छा प्याज हो रखा है इस खेत के हिसाब से, इसमें थोड़े बड़े से दाने हो रखे प्याज के। तो दिन का खाना भी हो चुका है हमारा, तो मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।